बाबा विश्वनाथ का शहर बनारस अद्भुत है और इस अद्भुत शहर में भगवान भोले खुद अदृश्य रूप में निवास करते हैं। विश्व के इस सबसे पुरातन नगरी में भगवान शिव के कई रहस्यमयी लोक हैं जिनके चमत्कार के बारे में कम ही लोग जानते हैं। यहाँ बाबा विश्वनाथ के धाम के अलावा कई ऐसे धाम हैं जहाँ दर्शन मात्र से ही सभी दोष और बाधाओं से मुक्ति मिल जाती है। यही वजह है कि इन चमत्कारिक धाम में देश के कोने कोने से श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। वाराणसी के जैतपुरा इलाके में भगवान शिव का ऐसा ही रहस्यमयी लोक है जिसे नागकूप के नाम से जाना जाता है। इस धाम में नागेश्वर महादेव का मंदिर भी है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक जो भी मनुष्य इस नागकूप में स्नान कर नागेश्वर महादेव की पूजा करता है उसे सर्पदंश के भय से मुक्ति मिल जाती है। मंदिर के पुजारी राजीव पांडे ने बताया कि इस कूप के भीतर 7 कुएं हैं और उसके अंदर भगवान शिव का शिवलिंग है जिसके कारण इस कुंड का जल अमृत योग्य है। इस जल में स्नान से काल सर्प दोष से भी मुक्ति मिल जाती है। शास्त्रोक्त ऐसा बताया जाता है कि ये जो है मंदिर है ये काफ़ी पुराना है और करीब 3000 वर्ष पुराना है। कुंडली में जिनके भी काल सर्प दोष होती है उनका पूरे भारत में 3 जगह जो है कि उनका पूजन होता है उनकी ग्रह शांति के लिए, नासिक, उज्जैन और वाराणसी। इस स्थान का महत्व इसलिए भी है विशेष क्योंकि इसका नाता जो है कि सर्पों से रहा है। इस स्थान को कारकोटक बापी के नाम से भी जाना जाता है। आप अगर YouTube पर सर्च करेंगे तो उसमें आपको मिलेगा, जैसे ही कारकोटक बापी करेंगे तो नागकुंड के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। ऐसा बताया जाता है कि इस कुंड के अंदर जो एक कुआँ है उस तरह का 7 कुआँ है और वह जो रास्ता है वह पताल पूरी की ओर जा रहा है या यूँ कहिए कि नागलोक की ओर जा रहा है। यह स्थान जो है महर्षि पतंजलि ऋषि का तपोस्थली रहा है। ऐसा मान्यता है कि अगर आपके स्वप्न में अगर सांप का स्वप्न आप देख रहे हैं या घर में अगर आपको सांप बिच्छू अगर प्रवेश कर रहे हैं, है ना, तो यहाँ के जल के छिड़काव से भी उसको उसकी शांति होती है और इन सब चीज़ों में जो है कि उनको राहत मिलती है। इसके बारे में बहुत सुना था। यहाँ के पूजा करें तो संतान के लिए बहुत ये अच्छा होता है। ये पाताल लोक को जाता है ऐसे पुराण में है। ये नाग का पूजा करें तो अच्छा होता है बच्चे के लिए और बच्चा प्राप्ति होना